10 लाख लोगों को लेके आप नागपुर मुख्यालय पे पहुंचेंगे आरएसएस के, क्या करना चाह रहे हैं? शताब्दी है ना, आरएसएस की शताब्दी 25 को है, तो हम भी अपनी ताकत जो है धीरे 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 10 लाख लोगों तक, वो 25 तक लेके जाएंगे, तो वो तो मजा तो किरकिरा हो जाएगा ना। किस तरह का ताकत प्रदर्शन करना चाहते हैं सर? अरे लोकतंत्र में शक्ति प्रदर्शन करने का अधिकार तो है ना सबको। पवार साहब चुप है, वो कुछ कर सकते चमत्कार, उनके पास बहुत सारा है। मतलब दो बात क्या है, देखो एक अहम बात क्या है, विधानसभा में तुम बहुमत का मामला कर सकते हो, जनता में क्या करो? आज तक शिवसेना में जितने विद्रोही लोग थे, जनता ने कभी विद्रोही नेताओं को साथ नहीं दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी। आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के अंबेडकर भवन में, जहां भारत मुक्ति मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेचाम जी मौजूद हैं, और आज हम उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि जो प्रोग्राम हरियाणा में होने वाला था, ये डीएनए कॉन्फ्रेंस हरियाणा में होने वाला था रोहतक में, तो आखिर क्यों वो दिल्ली में हो रहा है? सर ये कॉन्फ्रेंस आपका डीएनए कॉन्फ्रेंस पहले हरियाणा में होने को था रोहतक में, तो फिर दिल्ली क्यों शिफ्ट किया गया? वहाँ के पुलिस वालों ने, प्रशासन ने, आरएसएस के लोगों ने उनके ऊपर दबाव डाल करके उसका परमिशन रद्द किया। हमने परमिशन मांगा ही नहीं था, वो रद्द किया जो परमिशन हमने नहीं मांगा था, क्योंकि हॉल में कार्यक्रम करने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई कानून हरियाणा में अवेलेबल नहीं है कि हॉल के अंदर मीटिंग करने के लिए परमिशन लेना पड़े। क्या डीएनए एक वैज्ञानिक प्रमाण है जो प्रत्येक आदमी के शरीर में होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड डीएनए ये शरीर में होता है और प्रत्येक इंसान के शरीर में होता है, और वो ऐसा तत्व है मेडिकल का जो हजारों साल पहले, 10,000 साल पहले जिस इंसान में था वसी इंसान का डीएनए उसके शरीर में आता है, जनरेशन टू जनरेशन चेंज नहीं होता। इसलिए उसके आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है कि ये आदमी यहाँ का रहने वाला था या विदेश से भारत में आया। जो लोग विरोध कर रहे थे तो क्या मकसद हो सकता है कि विरोध करने का, क्या मतलब? ये जागृति नहीं होनी चाहिए कि ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मण विदेशी है डीएनए के अनुसार, ये लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए। सर लगातार महाराष्ट्र में उठा पटक देखी जा रही है सियासत में, क्या लगता है? संजय राउत जी को अब ईडी ने जो है समन भेजा और कल पेश होने के लिए कहा है। ये राजनीतिक मामला महाराष्ट्र का है, इसके बारे में बीजेपी के लोग ये सोच रहे हैं कि 2024 में हम चुनाव, महाराष्ट्र अगर हमारे साथ सरकार नहीं रहेगी तो हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने सारा प्लान बना करके ये किया। अच्छा, जीतने के लिए किया? हाँ, मतलब चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि 2019 में बीजेपी की सरकार थी ना महाराष्ट्र में, अब 2024 में नहीं रहेगी, तो सेंट्रल लीडरशिप जो बीजेपी की है उनको ऐसा लगता है कि शायद हम चुनाव में बहुमत नहीं हासिल होगा। आप कह रहे हैं उनको ये भी लगता है कि पता नहीं चुनाव आते आते नीतीश जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप कह रहे हैं सर जी, आप कह रहे हैं कि नहीं रहेंगे, और केंद्रीय मंत्री दानवे कह रहे हैं कि जो शिवसेना की सरकार है बस 2-3 दिन की मेहमान है महाराष्ट्र में। हो सकता है, हमें अंदरूनी बहुत सारी जानकारी नहीं है, मगर उधर भी एक बहुत बड़ा माहिर खिलाड़ी शरद पवार है, और वो ज़्यादा बोल नहीं रहे, अपने पत्ते खोल नहीं रहे हैं, और महाराष्ट्र में विधानसभा में बहुमत हो सकता है कि इस तरह से घोड़ा बाजार में घोड़ों को खरीद करके ऐसा किया जाए। कोई MLA जो गया हुआ है, भागा हुआ है, उधर आने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है, वो विधानसभा तक कैसे पहुँचेंगे? संजय राउत ने कहा भी है कि जाकर बैठे हो गुवाहाटी में, लेकिन आना तो पड़ेगा चौपाटी में। हाँ तो विधानसभा है ना चौपाटी के पास। हाँ। तो इसलिए उसने ऐसा कहा। सर रोहतक DCSP को कब तक कोर्ट में रास्ता दिखा देंगे? नोटिस हम भी भेज सकते हैं ना, उन्होंने भेजा हम भी भेज देंगे। सर आपने कहा कि आप दिल्ली हैं, लेकिन आपने दिल्ली में ये कार्यक्रम क्यों किया था? जब ये कार्यक्रम हरियाणा में होना था और आपने अपने भाषण में भी कहा कि मैं जिस किस्म का आदमी हूँ, तो ये कार्यक्रम दिल्ली में क्यों करना पड़ा? क्योंकि हम दिमाग से काम करते हैं ना जी। जैसे उनका मकसद था कि हमारी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुँचे, तो उनका उद्देश्य फेल करने के लिए हमको कार्यक्रम करना चाहिए। अगर हम मान लो पुलिस से उलझ जाते, तो पुलिस के उलझने से हमारा मकसद कैसे पूरा होता?
इसको जिद नहीं बोलते, दिमाग रख करके जिद करना। हमारा मकसद था हमारा आवाज लोगों तक पहुंचाना, हो गया हमारा मकसद पूरा, उनका मकसद फेल हो गया। वो हमारी आवाज लोगों तक पहुंचने देना नहीं चाहते थे, हमने अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाई, ये हमने जीत पूरी की। सर आपने कहा है कि 2024 तक 10 लाख लोगों को लेके आप नागपुर मुख्यालय पे पहुंचेंगे आरएसएस के, क्या करना चाह रहे हैं? शताब्दी है ना, आरएसएस की शताब्दी 25 को है, तो हम भी अपनी ताकत जो है धीरे 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 10 लाख लोगों तक वो 25 तक लेके जाएंगे। तो वो तो मजा तो किरकिरा हो जाएगा ना। किस तरह का ताकत प्रदर्शन करना चाह रहे हैं सर? अरे लोकतंत्र में शक्ति प्रदर्शन करने का अधिकार तो है ना सबको, हमें भी है, वो भी तो 25 को शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो हमको भी है। सर आप तो प्रदर्शन हरियाणा में भी करने वाले थे, लेकिन दायरे में रह के करेंगे। सर प्रदर्शन तो आप हरियाणा में भी करने वाले थे मगर आपको दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा प्रोग्राम। वहाँ प्रदर्शन थोड़ी कर रहे थे, कार्यक्रम कर रहे थे। कार्यक्रम और प्रदर्शन में तो फर्क है। जब कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिल रही है तो प्रदर्शन की अनुमति कैसे मिलेगी? सबसे अहम बात है कि ये कानून के दायरे का उल्लंघन कर रहे हैं, इसके लिए हम एक केस डाल रहे हैं प्रशासन पर एट्रोसिटीज का। दूसरा केस केस के अंदर ही रहेगा कि हमको इस केस पर गैर कानूनी काम प्रशासन ने किया, इस पर तो आप 2-4 साल लेके फैसला कर लो, मगर अभी हमको 8 दिन 15 दिन 1 महीने की गैप रख के परमिशन दो कार्यक्रम करने की, तो हाई कोर्ट की परमिशन लेके कार्यक्रम करेंगे, रोहतक में ही करेंगे, मगर कानून के दायरे में रहकर करेंगे। महाराष्ट्र में क्या होगा, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में क्या होने वाला है? एकनाथ शिंदे पवार साहब चुप है, वो कुछ कर सकते चमत्कार, उनके पास बहुत सारा है। मतलब दो बात क्या है, देखो एक अहम बात क्या है, विधानसभा में तुम बहुमत का मामला कर सकते हो, जनता में क्या करोगे? आज तक शिवसेना में जितने विद्रोही लोग थे, जनता ने कभी विद्रोही नेताओं को साथ नहीं दिया शिवसेना के, एक भी कोई है सिंगल उदाहरण आज तक नहीं दिया है, आप पत्रकार लोग हैं आपको एक भी उदाहरण नहीं। ये है बड़ा संकट, इस संकट का वो समाधान कैसे निकालते इसके ऊपर निर्भर है। और पवार साहब ने कहा कि मैं पूरे ताकत से शिवसेना के साथ में हूं, इसका मीनिंग निकालो आप पत्रकार लोग। सड़कों पर जो है ये बिल्कुल भी नहीं टिकेंगे, कौन? फडणवीस साहब बीजेपी वाले, हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं टिकेंगे सड़क पर। सबूत ले लो, अभी गवर्नर ने लिख के भेजा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल फोर्स भेजो, भेज दिया। बहुत सारी घटनाएं हो रही है, सेंट्रल फोर्स मंगाया जा रहा है, एमएलए को गारंटी नहीं उनके बच सकता है। बाला साहब रहते तो होता ही नहीं। सर बाला साहब की आपने बात की है, मारो उसको, मार के मेरे पास ले आओ साली की डेट। बाला साहब की बात की आपने, 1992 में भी इसी तरीके के हालात देखने को मिले थे। अब उद्धव ठाकरे भी खामोश है और शिव सैनिक भी खामोश है, क्या लगता है कहीं ना कहीं इस खामोशी का खामोश है सर? उधर सड़कों पर लोग हैं, घरों पर जा रहे हैं, हमले हो रहे हैं, तभी तो गवर्नर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल फोर्स मांगा। चावदार तालाब के ऊपर जब डॉक्टर अम्बेडकर लोगों को लेकर के जा रहे थे तब ब्राह्मण स्टे ले लिया था, अब रोहतक के अंदर ब्राह्मण स्टे ले लिया था, इसको लोग जोड़ हाँ, मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर को कलेक्टर ने बुलाया और कहा कि अब तो स्टे आ गया है, अगर आप दोबारा सत्याग्रह करेंगे तो फिर लड़ाई हमसे होगी, पंडित लोगों से नहीं होगी। तो बाबा साहब ने कहा कि अरे पंडित से लड़ाई लड़ने के लिए तो मैं ये सत्याग्रह नहीं कर रहा हूँ, मतलब सरकार से, मुझे तो ये चौदार तालाब का पानी पीने के लिए सत्याग्रह करना है। हाँ तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बाबा साहब ने उस केस को बाद में जीता, और जीतने के पहले जब उनको ऐसा कहा करने नहीं दिया तो उन्होंने कहा कि आज से हम घोषित करते हैं हम हिंदू ही नहीं है, जड़ा बड़ा झटका लगाया। नहीं आप समझ नहीं, बारिश इसके सारे लोग हमारे पीछे लगे हुए, नहीं आप हिंदू हो, हिंदू भी हो कार्यक्रम भी नहीं करने देंगे, दोनों बातें कैसे चलेगी? झटका मारना पड़ेगा ना। एक स्टेटमेंट आती है कि जो वाल्मीकि को नहीं मान रहे, कबीर साहब को नहीं मान रहे, रविदास को नहीं मान रहे हैं, तो एक तरीके धार्मिक मुद्दा बनाया जा रहा है इस बात को। कौन? नवीन जैन की जो एक स्टेटमेंट आई थी आपने देखी होगी शायद, तो उसके अंदर एक धार्मिक मुद्दा बनाया जा रहा है इस बात को। किस बात का?
जो आप प्रोग्राम कर रहे थे उसके ऊपर स्टेटमेंट, वो तो डीएनए का मामला है ना, हम तो डीएनए परिषद कर रहे हैं। ये हर एक आदमी के शरीर के अंदर डीएनए होता है। विज्ञान का कहना है कि ब्राह्मण के शरीर में जो डीएनए है वो यूरेशियन लोगों का है, वो भारतीय लोगों का नहीं है। हम ये बात जानकारी लोगों को बताना चाहते हैं। जब उन्होंने भीड़ का ऐलान कर दिया, भीड़ नहीं आई, लेकिन उन्होंने फिर से हिंदू कार्ड खेला और धर्म का मुद्दा बनाना चाहा कि धर्म के नाम पे भीड़ आ जाए। देखो, ये धर्म का नाम वो करते रहेंगे, मगर हमने भी तो लोगों को जागृत करने का काम किया है। ब्राह्मण को ही तो आखिर मैदान में उतरना पड़ा, लोग तो आ नहीं रहे उनके समर्थन में। आपकी जागृति काम आया, ये तो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। अगर ईवीएम में चोरी करने का ईवीएम ना हो तो ये चुनाव भी नहीं जीत सकते। अब देखो, आजमगढ़ में 8000 समथिंग के मतों से बीजेपी जीती, ठीक है, यादव जीता जी। और उतने ही लोग जो है अपक्ष लोगों को उतने ही वोट है, ये कैलकुलेशन साला समझ में नहीं आ रहा है। खेला हो रहा है सर ईवीएम में, अब देखा है ना, अब बोला है पत्रकार। सर, मैं पूछ रही हूँ आपसे, खेला हो रहा है ईवीएम में? अब खेला तो क्या, 200% हो रहा है। क्या लगता है जो जो सपा की मजबूती भरी सीट थी वहीं पे उपचुनाव क्यों हुए? सीटें हारी वो। आजमगढ़ कहते थे कि कुछ भी हो जाए सपा की जो सीट आजमगढ़ की है वो कहीं नहीं जाएगी, वो उनकी सत्ताधारी सीट है, और अब आजमगढ़ की सीट उनके हाथ से निकल गई। सीट थी अखिलेश की, केवल समाजवादी की नहीं, अखिलेश की सीट थी, हार गए। क्या लगता है सर, समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका है आजमगढ़ की सीट इस तरीके से जाना? झटका छोटा सा शब्द है जी।